नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जल ही जीवन है और तालाब नदियां ही हमारी वास्तविक धरोहर और संपदा है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण ने हमारी सभी प्राकृतिक वस्तुओं को नष्ट और दूषित करने का काम किया है, जिससे निरंतर भूजल स्तर में गिरावट होती जा रही है। जिसके संरक्षण के लिए भूजल जल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी द्वारा 16 जुलाई को की गई और आज उसका समापन भी कर दिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं भूजल संरक्षण को लेकर सरकार का प्लान हमारी इस खास रिपोर्ट में। जल ही जीवन है, जल संरक्षण का जन आंदोलन, भूजल जल संरक्षण कार्यक्रम, जिले जिले में दौड़ेगी यूपी सरकार की वैन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानो चून। रहीमदार की दोहे तो हम बचपन से सुनते आए हैं, उन्हीं में से एक दोहा ये भी है जो पानी के साथ मनुष्य के सम्मान का भी पाठ पढ़ाता है। जैसे जीवन यापन करने के लिए रोटी कपड़ा और मकान जरूरी होता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पानी, जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर का 70% भाग लगभग जल से बना होता है। केवल हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी भी 2/3 जल से लबालब है, लेकिन पीने के लिए ये खारा पानी अनुकूल नहीं। पानी कितना जरूरी है ये जानते हुए भी लोग उसे बर्बाद करते हैं, लेकिन अब यूपी में पानी की बर्बादी के साथ साथ उसके संरक्षण का भी उपाय मौजूदा सरकार ने निकाल लिया है। प्रदेश में राज्य भूजल संरक्षण मिशन एवं भूजल सप्ताह जैसे कार्यक्रम भूगर्भ जल संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की दिशा में उम्मीद की किरण है। भूजल स्तर के सुधार में मात्र किसी नीति विशेष या योजना की नहीं बल्कि हम सबकी सहभागिता और जागरूकता मात्र की आवश्यकता है। 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित करने में हमें मदद मिली। उस अभियान के भी अच्छे परिणाम सामने आए, जिसमें अति क्रिटिकल से विकास खंडों को सामान्य विकास खंडों में परिवर्तित करने में भी हमें मदद मिली। थोड़ा सा प्रयास हुआ तो वह देखते ही देखते उसमें परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दिया। हमें एक एक बूंद जल की कीमत, जो मौजूदा व्यवस्था है उसकी भी समझनी पड़ेगी और जो व्यवस्था समाप्त यानी जो हम नई व्यवस्था देने जा रहे हैं उसको भी, चाहे वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो या इस संबंध में जो अनेक मॉडल बनाए गए हैं, उन सब को भी हमें इसके साथ, अमृत सरोवर को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। पुराने सरोवर और तालाबों को, कुओं को फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा। प्रदेश में 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया। अटल भूजल योजना के तहत यूपी सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक जिलों में जागरूकता कार्यक्रम संचालित हो। इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण की पद्धतियों को जीवित करने में सहायता मिलेगी। ये जागरूकता बैंड 10 जिलों में जाएगी। इनमें ललितपुर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट व बागपत को शामिल किया गया है। प्रदेश में जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके खोजे गए हैं, जिसमें डिजिटल भूजल रथ पर चलचित्र, ऑडियो वीडियो के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को भूजल प्रबंधन के विभिन्न उपायों की जानकारी दी जाएगी। लोग इन्हें देखकर और सुनकर समझ पाएंगे कि अपने अपने गांव में जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को कैसे करें। डिजिटल भूजल रथ के अलावा अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे जागरूकता रैली, प्रतियोगिता, खेल, जल शपथ, जनसभा, गोष्ठी, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक के आयोजन भी किए जा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं और सामाजिक संस्थाएं भी मदद करेंगी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ग्रह पर 2/3 हिस्सा पानी है, लेकिन पीने का पानी सीमित मात्रा में मौजूद है। साथ ही ये एक नॉन रिन्यूएबल संसाधन है, जिसके लिए हर व्यक्ति को पानी के संरक्षण में अपना योगदान देना बेहद जरूरी है। लेकिन अब हमने पानी को बचाने के लिए नहीं कदम उठाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसका खामियाजा भुगतेगी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।